हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। इस गैंग के चार आरोपियों और एक डीजल खरीदार को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। हाईवे और अन्य इलाकों पर खड़े ट्रकों और अन्य वाहनों से डीजल चुराने वाले एक गैंग को पुलिस ने धर दबोचा। इन चोरों के पास 200 लीटर डीजल बिक्री के 8,500 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन, टंकी तोड़ने के औजार और पाइप मिले हैं। ये चोर हाईवे एवं सड़क किनारे सुनसान स्थान पर खड़े वाहनों से डीजल चोरी किया करते थे। लालबाग पुलिस को दमन ट्रांसपोर्ट के संचालक मनदीप ऋषसा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ट्रांसपोर्ट के सामने खड़े उनके ट्रक से डीजल टंकी तोड़कर 250 लीटर डीजल एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में आए अज्ञात आरोपी चुरा कर ले गए। इसके बाद घेराबंदी कर रांची झारखंड ढाबा के पास चार लोगों को पकड़ा गया। चारों से डीजल चोरी के संबंध में कड़ी पूछताछ करने पर खड़े ट्रक से डीजल चोरी करना इन लोगों ने स्वीकार किया। ये लोग डीजल चोरी करने के बाद भिलाई के पवन कुमार साहब को बेच दिया करते थे। डीजल चोरी लालबाग थाना क्षेत्र में एक पकड़ाई है, जिसमें लंबे समय से हमको सूचना मिल रही थी कि हाईवे पे डीजल चोर सक्रिय है और ये खड़ी ट्रकों से टैंकरों से डीजल चोरी कर देते हैं। इसमें साइबर की टीम और थाना लालबाग की टीम ने कल संयुक्त रूप से डीजल चोर को पकड़ा है। इनके पास स्विफ्ट डिजायर में 5 जेरी कैन में लगभग 250 लीटर डीजल मिला है और 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी आरोपी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश बेस्ड हैं। इसमें एक पवन कुमार साव भिलाई का मास्टरमाइंड है। ये अपने घर में जो शाजापुर मध्य प्रदेश से ये जो डीजल चोर हैं इनको ला के रखता था, फिर यहाँ आके सामूहिक रूप से डीजल चोरी करते थे और बेचते थे। सभी को जो गिरफ्तार करके न्यायिक विभाग के भेजा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।